दोस्तों आज मैं आप सबके लिए कुरकुरे के बिजनेस की पूरी जानकारी लेकर आया हूं कि कुरकुरे आप कैसे बनाएंगे, कहां से ख़रीदेंगे, कहां बेचेंगे, सेल करने का क्या तरीका होता है और अपना खुद का ब्रांड बनाकर आप मार्केट में एक अच्छा बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों कुरकुरे के लिए आप कुरकुरे को खुद ख़रीद सकते हैं और कुरकुरे पैक करने के लिए मशीन आती है, या अगर आप अपना ब्रांड बनाकर बेचना चाहते हैं तो अपने ब्रांड के बॉक्स आप छपवा सकते हैं या मार्केट में रेडीमेड बॉक्स मिलते हैं उनका भी आप यूज कर सकते हैं। और यूज करके अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो एक सीलिंग मशीन लेकर काम स्टार्ट कर सकते हैं। सीलिंग मशीन आती है 2000 से स्टार्ट होकर 20000 तक आती है, पर अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो स्टार्टिंग आप 2000 से भी लेकर कर सकते हैं और अगर थोड़ा अच्छी लेंगे तो 5-6 हज़ार तक मिल जाएगी, अच्छी मशीन मिल जाएगी। तो कुरकुरे पैक करके आप खुद का ब्रांड बनाकर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब कुरकुरे कहाँ से मिलेगा, तो आपको सबसे पहले कुरकुरे ख़रीदने के लिए इंडिया मार्ट की वेबसाइट में जाना पड़ेगा। अब कितने रुपये किलो मिलेगा, तो इंडिया मार्ट की वेबसाइट में जाएंगे तो 35 रुपये से लेकर 40 रुपये किलो तक बढ़िया कुरकुरे मिल जाता है। और अब इस कुरकुरे ले लिए, लेकिन कुरकुरे को तैयार करने के लिए कुरकुरे का मसाला भी लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी आपको इंडिया मार्ट की वेबसाइट में 100 रुपये से लेकर 150 रुपये किलो तक मिल जाता है। मैं एक नीचे नंबर भी दे दूंगा, वहां से भी आप संपर्क करके वहां से ले सकते हैं। फिर आपको 100 रुपये से 120 रुपये किलो के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से कुरकुरे का मसाला मिल जाएगा। फिर आपको ये दोनों मिक्स करके और कुरकुरे आपको तैयार करना है। अब कुरकुरे में खर्चा कितना आएगा तो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कितना खर्चा लगेगा और आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितने बिकता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इसका पूरा खर्चा कितना होता है और कैसे प्रॉफिट होती है। तो दोस्तों एक किलो कुरकुरे बनाने का खर्चा आता है, इसके लिए एक किलो रॉ कुरकुरा लेना पड़ेगा जिसकी कीमत मात्र 35 रुपया, और कुरकुरे का मसाला 1 रुपया का ही लगेगा एक पैकेट में, एक किलो में। और इसका ट्रांसपोर्टिंग जो एक्सपेंस आएगा, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा आएगा वो 2 रुपया पर किलो आएगा, और इसका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1 रुपया पर किलो आएगा। और इसका पैकिंग मटेरियल, जैसे आप रेडीमेड अगर पैकिंग लेते हैं तो मार्केट में मिल जाती है, वो आपको पैकिंग मटेरियल 2 रुपया मिल जाएगा। और इसका लेबर का कास्ट जो होता है उसको 2 रुपया लगा लीजिए, 2 रुपया बहुत होता है लेबर का कास्ट, एक पैकेट में 2 रुपया खर्चा नहीं आएगा, पर फिर भी अधिक से अधिक लगाइए जिससे कि आपको किसी भी तरह का नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो लेबर कास्ट 2 रुपया और अदर एक्सपेंसेस और अपन लगा देते हैं, जैसे आप बिजनेस करते हैं तो जाते हैं तो चाय नाश्ता है कि कोई मिलने आ गया, तो इन सब चीज़ों में 2 रुपया और अदर एक्सपेंसेस आप लगा देते हैं, इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है 35 रुपये का कुरकुरे मिलता है और बाकी सबको मिलाकर इसका टोटल खर्चा आता है 45 रुपये। 45 रुपये में आपका बढ़िया कुरकुरे पैक होके तैयार हो जाएगा। अगर आप एक किलो वाले में बेचते हैं तो, या कि आप इसको छोटे में भी डिवाइड कर सकते हैं, उस हिसाब से इसका पैसा भी कम कर सकते हैं आप। तो एक किलो बनाने का खर्चा 45 रुपया आता है, लेकिन 45 रुपया का एक कुरकुरे बनाकर आप बड़े आराम से मार्केट में, जैसे रिटेल शॉप में जाएंगे, जो दुकानें रहती हैं वहाँ 200 रुपया किलो बड़े आराम से कुरकुरे बिकता है। ये कुरकुरे का रेट ही है, 200 रुपया कुरकुरे आप बढ़िया आराम से 200 रुपये किलो इसको बेच सकते हैं। और दूसरा आपको सेल करने की सबसे बड़ी दिक्कत सेल में आती है, इसलिए मैं दूसरा आपको सेल दो मैं तरीके बताता हूँ सेल करने के लिए। दूसरा तरीका है आपको कि ऑनलाइन आप ई कॉमर्स की वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ई कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही इजी प्रोसेस है, वो आपसे आपका एड्रेस पूछेगा, आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, आपका बैंक अकाउंट पूछेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई कैश ऑन डिलीवरी करता है या कि पहले से पेमेंट करता है तो आपके अकाउंट में पैसा आ सके, लेकिन बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। बहुत सारी मार्केट में हैं, 50 हैं, लेकिन जैसे आपकी अमेज़ॉन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, और भी खाने पीने की बहुत सारी ई कॉमर्स की वेबसाइट हैं, उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो डालकर और वहाँ पे डाल देंगे, तो जिसको भी लेना होगा वो आपकी फ़ोटो देखकर अगर उसे पसंद आता है तो वो आपको ऑर्डर दे देंगे, और आपको ऑर्डर देने के बाद आप उसे भेज सकते हैं कुरियर के थ्रू। ई कॉमर्स की कंपनी वाले कुरियर आपके पास आएंगे और आप अपना प्रोडक्ट उनको दे दीजिएगा घर बैठे, इसे ऑनलाइन में भी काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
अब दूसरे तरीके ये है कि अगर आप थोक में देते हैं, जो थोक दुकानदार हैं, तो अगर थोक दुकानों को देते हैं तो 100 रुपये किलो, जिससे कि उनको भी पैसा थोड़ा बचे, तो 100 से 150 रुपये किलो बिकता है। लेकिन मैं कहता हूँ कम से कम आप 100 रुपये किलो भी देते हैं, तो अगर आप 100 रुपये किलो देते हैं तो 1 किलो में आपको 55 रुपये प्रति किलो बचेगा। और आप अगर रोज़ 100 किलो भी बेच लेते हैं तो 5500 रुपये आपको एक दिन की कमाई हो सकती है। मतलब सब खर्चा काट कर आप एक दिन में 5500 रुपये बड़े आराम से कमा सकते हैं। ये आपका सिर्फ प्रॉफिट होगा हर खर्चा काटने के बाद। इस हिसाब से अगर 1 महीने तक लगभग इसी प्रकार का बिजनेस चलता रहता है तो आपको 1,65,000 रुपये तक आप कमा सकते हैं। एक राम किशोर करके लड़के हैं, वो इस बिजनेस से, सिर्फ इस बिजनेस से स्टार्ट किए थे 2 साल पहले, इस बिजनेस से 2,00,000 रुपये महीने भी कमा रहे हैं। लेकिन अब वो अपना सेटअप बड़ा कर लिए, जैसे जैसे उनकी सेल बढ़ती गई तो अपना सेटअप बड़ा करते गए। तो दोस्तों, अगर आप अच्छे से कमाई आपके मेहनत पर डिपेंड करती है, आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, कम भी कमा सकते हैं, कमाई ऊपर नीचे होती रहती है। तो दोस्तों, आप अगर थोक में भी देते हैं, मैं 100 रुपये के हिसाब से आपको रेट बताया हूँ, तो अगर थोक में देते हैं तो थोक में 100 पैकेट बेचना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसके माध्यम से आप 1,65,000 रुपया बड़े आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों, इसकी कमाई आपकी मेहनत पर ही डिपेंड करती है, और आप कैसा प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी दे रहे हैं, आप पैकेट कैसे दे रहे हैं, आप उसकी ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं, इस हिसाब से भी होता है। क्योंकि अगर आप ब्रांडिंग करेंगे, अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस करना है, तो आप ब्रांडिंग अपने खुद के ब्रांड की पन्नी बनवाकर और मार्केट में दे सकते हैं, जिससे कि आपका एक ब्रांड मार्केट में बन जाएगा। और कुछ दिन बाद अगर आपका अच्छा ब्रांड रहता है तो खुद ब खुद आपके ऑर्डर आने चालू हो जाते हैं। अब दोस्तों, इसको करने के लिए, अगर आपको इसको लॉन्ग टाइम तक करना है, तो इसका आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। उसके बाद आप फसाई का एक गोमास्ता आपको बनवाना पड़ेगा, तो एक आप गोमास्ता बनवा लीजिए और एक फसाई का लाइसेंस ले लीजिए। लॉन्ग टाइम बिजनेस करना है तो ISO का सर्टिफिकेशन करवा लीजिए। ISO का सर्टिफिकेशन 7,000-8,000-6,000 से लेके 10,000-15,000 तक हो जाता है। तो आप 7,000-8,000-6,000 से भी आप ISO करवा के और अपना काम आप अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने नाम का TM भी ले सकते हैं, आप अपने नाम का ट्रेडमार्क बनवा कर। और अगर आपको लॉन्ग टाइम तक काम करना है तो अपने ब्रांड के नाम से TM ले सकते हैं। TM की मैं एक वीडियो ऑलरेडी डाला हूँ, तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो उसे आप जाके देख सकते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि TM जो होता है, TM अगर लेते हैं आप, तो जो नाम आप मार्केट में रखते हैं और जिस नाम की आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो TM अगर आप ले लेंगे उसी नाम का, तो उस नाम का प्रोडक्ट कोई भी इंडिया में नहीं बना सकता आपको। वो ब्रांड और वो नाम सिर्फ और सिर्फ आप कहोगे और आप और आपकी कंपनी यूज कर सकती है, दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता है। इसलिए अगर लॉन्ग टाइम यूज करना है तो TM आवश्यक है। तो दोस्तों, इस बिजनेस को करके आप महज बड़े आराम से 1,50,000 रुपये महीना अप्रॉक्सीमेटली कमा सकते हैं, अगर थोड़ा मेहनत अच्छी कर देंगे तो। बाकी इसकी कमाई आपके मेहनत पर डिपेंड करती है।